मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो भाई साहब घूमने जा रहे थे, रात से ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि घूमने जाने का हमारा प्लानिंग कैंसिल हो गया। मॉर्निंग वॉक पे ये देखिए, कल शाम 9 बजे से बारिश हो रही है, अभी सुबह तक लगातार बारिश हो रही है। रात भर से झमाझम बारिश हो रखी है, फूलों में भी पानी पानी हो गया है। नहा धो के जाते हैं, कहते हैं रात से ही नहा धो के जा रहे हैं शायद पितृदेव। ये देखिए हमारे घर के सामने छोटी सी नदी है, इतना बहाव हो रहा है नदी का क्योंकि रात भर से बारिश हो रखी है। कल तो मम्मी परेशान हो रखी थी कि बारिश ने मुझे परेशान कर दिया है करके, लेकिन और अच्छी तरीके से ही सड़ गई घास। तो ठंडा हो रहा है, आज बारिश का मौसम हो रहा है। आज नाश्ते में बना लेते हैं पकौड़ी, चाय पकौड़े, बहुत मज़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। तो और कुछ पकाने का मन भी ना कर रहा है ना खाने का, गर्म गर्म चाय और पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो बना लेते हैं पकौड़ियाँ। तो बनने लग गई है गरम गरम पकौड़ियाँ ठंडे के मौसम में, बना लेते हैं। तो बन गए हैं पकौड़ी, खा लेते हैं अब। तो फाइनली बारिश हो गई बंद, हम महाराज जी ने दुकान का शटर ऊपर कर दिया है, अब सफाई रहेगी दुकान के अंदर की। तो दोस्तों 4 बज चुके हैं, बारिश बंद हो चुकी है, सब लोग निकलने लग गए हैं रोड में। श्वेता को तो ठंडा ही नहीं हो रहा है, हैं स्वेटर पहन के नहीं आई, गर्मी लग रही है। हाँ कह रही है गर्मी लग रही, मुंडी हिला रही, बोल नहीं रही है। ये देखिए बारिश बंद होने के बाद का व्यू, शांति हो रही है एकदम। धूप भी आ गई है ऊपर पहाड़ों में। हमारा शेरू भी रोड पे आ गया है घूमने के लिए, अभी तक अंदर ही बैठा था क्योंकि बारिश हो रही थी ना, वॉक पे जाने लग गया है। ये देखिए बारिश बंद होने के बाद सुबह जो नदी नाले उफान पे आए हुए थे सब अपनी लाइन पे आ गए हैं, बारिश बंद हो चुकी है तो साफ हो गई है नदी। बारिश बंद हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है, अभी राहत मिली, कल रात से बारिश हो रही थी, दिन भर बारिश हुई थी, अब इतना अच्छा साफ मौसम हो रहा है। वहाँ पहाड़ों में धूप भी आ रही है, राहत मिली है बारिश से। और मेरा लड़का झाड़ू लगा रखा है, सफाई में लगा है, सफाई अभियान चला रहा है। और ये मैंने लगाए हैं फूल, बहुत प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। जी यहाँ पे बैठे हुए हैं सदमे में, गाड़ी चली गई करके सदमा लग गया है, आ जाएगी गाड़ी कल या परसों में, टेंशन मत लो। तो महाराज जी को लग गई है चाय की ताप, चाय बना ला भाई। चाय बना देते हैं महाराज जी के लिए। दोस्तों खा लिया है हम लोगों ने खाना, तो 9:30 हो चुके हैं, अब सो जाते। तो मिलते हैं आप लोग से कल को दूसरे ब्लॉग के साथ, तो तब तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर जरूर करना।
तो आप लोग देखते रहिए सुनीता सिंह ब्लॉग।